हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद आकांक्षा में आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे के फरे और गेहूं के आटे के फरे। तो जिसके लिए मैंने दाल भिगो रख के रखा है। तो मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल भिगोई है और चने की दाल लगभग 100 ग्राम और 100 ग्राम उड़द की दाल भिगोई है। उड़द की दाल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा भिगो दी है। तो अच्छे से इसको हम धुल लेंगे। अब दोनों को मैंने अच्छे से धुल लिया। मिक्सी के जार में चने की दाल को डाल देंगे। हमने डाल दिया है। अब हम उड़द की दाल को डालेंगे। तो उड़द की दाल चने की दाल से थोड़ा कम रहेगी, तो मैंने बस एक मुट्ठी डाली है इसको और सारा रख दिया है बचा के। तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन 8-10 कलियाँ, हरी मिर्च ऐड कर देंगे, तीखा अपने हिसाब से ऐड करिए आप लोग, और अदरक ऐड कर देंगे इसी में। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। हल्का सा दरदरा ही रहना चाहिए, तो मैंने इसको पीस लिया है। तो इस बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। ये देखिए कितना बढ़िया सा पीसा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो सारा हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें हींग, आधा चम्मच हींग डाल के इसको रख देते हैं साइड में। तो मैंने रख दिया इसको साइड में। अब हम चावल का आटा ले लेंगे। तो मैंने आधी आधी कटोरी करके 2 बार लिया है चावल का आटा। तो लगभग हमारा 1 पाव आटा है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और हल्के गुनगुने पानी से इसको गूंथेंगे। आप चाहें तो ठंडे पानी से भी गूंथ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि ये गीला ना हो, और बढ़िया से इसको गूंथेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है, गूंथ के इसको बढ़िया से एकदम सॉफ्ट बनाना है। तो देखिए हमने इसको गूंथ लिया है। बहुत ज़्यादा ना ये गीला है ना ये टाइट है, एकदम बढ़िया सा आटा गूंथ के ले लिया है। तो अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे इसकी, आटे की। तो ऐसे हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। फिर देखिए मैंने एक लोई ली है, इसको हम पेड़े की तरह बना लेंगे और हल्के हाथ से इसको दबा दबा के ऐसे हम बड़ा करेंगे। आप चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे बना लेंगे, सारे हम ऐसे ही बनाएंगे। आप चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं थोड़ा सा परथन लगा के, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया। हमको ऐसे ही ज़्यादा पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। उसके बाद मैंने जो दाल बनाई थी इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। नमक हम पहले नहीं ऐड करेंगे, जब बनाते समय ही ऐड करेंगे, नहीं तो हमारी दाल जो है गीली हो सकती है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके फरों में रख देंगे दाल को। देखिए ऐसे ही हम सारे फरों में रख लेंगे दाल। तो सारे फरे हमारे रेडी हो गए हैं। अब देखिए हाथ से मैंने हल्का सा इसको बस बीच में हल्का सा प्रेस करेंगे, पूरा नहीं बंद करना है, हल्का सा बस इसका हल्का सा मुंह बंद कर देना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। तेल को हम चारों तरफ ऐसे घुमा लेंगे ताकि पूरी कढ़ाई में अच्छे से तेल लग जाए। एक एक करके हम सारे फरे इसमें ऐड कर लेंगे। सारे फरे ऐड कर लेंगे। बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी लगते हैं चावल के आटे के फरे। अगर एक बार आप लोग इस तरह बनाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसको पानी में उबाल के भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है, इसको हम हल्का सा पलट लेंगे। बहुत हल्के हाथ से पलटना है। ये देखिए मैंने इसको पलट लिया, ऐसे सारे हम ऐसे पलट देंगे हल्के हाथ से ताकि ये टूटे ना। उसके बाद हम प्लेट बंद करेंगे इस पर, और इस पर हम आधी कटोरी पानी ऐड करेंगे, जितने हम फरे डाले हैं। तो मैंने पानी डाल दिया है ताकि हमारी दाल जो है अच्छे से पक जाए। लो फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको। तो मैंने पानी ऐड कर दिया, तब तक हम इधर सारे फरे मेरे मैंने बना लिए जब तक उधर पक रहा है पानी। तो देखिए पानी सारा सूख गया है, ये देखिए
प्लेट में बिल्कुल पानी नहीं लगा है, तो अब हम इसको पलट लेंगे। हल्के हाथ से पलटना है, देखिए बिल्कुल भी चिपके नहीं है, अच्छे से पलट जाते हैं, बिल्कुल भी टूटते भी नहीं है ये। ये देखिए अब इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे धीरे धीरे, ताकि ये अच्छे से कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाएं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मिलाया, बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर इस तरह आप फ्राई बनाएंगे तो। आप चाहे तो इसमें मसाले बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है। तो इसको हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे ऐसे ही पका लेंगे। देखिए सारे फरे जो हमारी पक गए हैं, दाल देखिए कितनी अच्छी फूल गई है। तो इसको हम ऐसे ही धीरे धीरे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो हमारे फरे देखिए एकदम कुरकुरे हो गए हैं। ऐसे ही हम सारे फरे बना लेंगे। तो हमारे फरे जो हैं पक चुके हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है, ताकि टेस्ट इसका और अच्छा हो जाए। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है। इसको आप गरम गरम खाएंगे तो बहुत सारे फरे खा सकते हैं एक साथ, इसको चटनी के साथ, सिरके के साथ, सिरके से साथ खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम आटे के फरे बना लेते हैं। तो आटा मैंने पहले से गूंद के रखा था, इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और इसको हम बेल लेंगे रोटी की तरह। तो मैंने इसको बेल लिया है ऐसे। अब इसमें हम दाल भर देंगे। आप चाहें तो सिर्फ चने की दाल का भी बना सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है फरों में। तो ऐसे हम भर लेंगे इसको और ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे। हल्के हाथ से इसको दबा देंगे चारों तरफ से बढ़िया से, ताकि ये पैक हो जाए। तो ऐसे ही सारे फरे मैंने बना लिए हैं, रेडी कर लिए हैं। आप छोटे बड़े कोई भी साइज़ दे सकते हैं। तो पानी हमारा उधर गर्म हो चुका है, देखिए खौलने लगा है। तो अब हम फरे ऐड कर देंगे सारे एक एक करके। सारे फरे मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको हम लो फ्लेम पे पका लेंगे 5 से 6 मिनट तक। तो देखिए फरे सारे जो हमारे ऊपर आ चुके हैं, इसका मतलब कि पक चुके हैं। तो इसको हम छन्नी में छान लेते हैं, सारा पानी ये निकल जाए। ठंडा होने के बाद ऐसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल डाला है, थोड़ी सी राई ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे आधा चम्मच, करी पत्ता ऐड कर देंगे और सारे फरे हम ऐड कर देंगे। आपको हल्दी डालनी हो तो डाल सकते हैं। सारे फरे मैंने ऐड कर दिए, अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। मिला लिया है मैंने। अब इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे सेंधा नमक थोड़ा सा ऊपर से, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है नमक। और चाट मसाला ऐड कर देंगे। देखिए हमारे फरे बनके रेडी हो गए हैं। गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो? दोनों फरे हमारे रेडी हो चुके हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को।